एक से भले दो, बाय वन गेट वन फ्री, द मोर द मेरियर। कितनी कहावतें और कहानियां हैं जो कहती हैं जितना ज्यादा उतना बेहतर। जाहिर है बात पैसे, प्रॉफिट या रिटर्न की हो तो हर कोई ज्यादा ही पसंद करेगा, लेकिन आपके पैसे को सेफ रखने वाले बैंक अकाउंट पर भी क्या यही बात लागू होती है? एक बैंक अकाउंट होना काफी है या यहाँ भी एक से भले दो, दो से भले तीन का लॉजिक अप्लाई होता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है या अगर आप बिना सोचे समझे अलग अलग बैंकों में अकाउंट पर अकाउंट खोलते चले जा रहे हैं तो जरा रुकिए, ध्यान से ये वीडियो देखिए और समझिए। सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट होने के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा ये है कि एक ही अकाउंट से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान हो जाता है। आपके सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक ही जगह रहता है, फिर चाहे वो आपका खर्च हो, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट। आपको ढेर सारे लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड वगैरह भी याद नहीं रखने पड़ते। साथ ही बैंक अकाउंट मेंटेन करने का खर्च भी लिमिटेड रहता है। लेकिन सिर्फ एक ही अकाउंट होने का नुकसान भी है। मानिए कि आप अकाउंट का पासवर्ड भूल गए या कई बार गलत पासवर्ड डाला तो अकाउंट हो जाएगा लॉक और आप कुछ समय तक कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाएंगे। अगर अकाउंट लोन से भी जुड़ा है और लोन की इंस्टॉलमेंट देने में डिफॉल्ट हो गया तो इकलौते अकाउंट को ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और इसका असर आपके डेली ट्रांजैक्शन पर भी होगा। तो क्या करें, कई सारे अकाउंट्स खोल लें? रुकिए जरा, चलिए माना कि मल्टीपल अकाउंट रखने से सिंगल अकाउंट रखने की कुछ दिक्कतें तो दूर हो जाएंगी, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। सबसे पहले तो जितने ज्यादा अकाउंट होंगे उतना ही डिफिकल्ट होगा उनका मैनेजमेंट। अकाउंट डिटेल्स याद रखना तो डिफिकल्ट होता ही है, लेकिन ट्रांजैक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड रखना भी मुसीबत बन सकता है। किस अकाउंट में कितनी सेविंग्स है और कौन से अकाउंट का बैलेंस मिनिमम से भी नीचे जा चुका है, ये सब याद रखना बड़ी मशक्कत का काम बन सकता है और अगर कहीं चूक हो गई तो पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो बैंक अकाउंट की इस पूरी सिचुएशन का सलूशन क्या है? सलूशन है बीच का रास्ता, यानी दो बैंक अकाउंट्स। दो बैंक अकाउंट की मदद से आपको एक ऑल्टरनेट अकाउंट का फायदा भी मिलता है और मैनेजमेंट का बोझ भी ज्यादा नहीं बढ़ता। जिस बैंक से ज्यादा ब्याज मिले उसे सेविंग से जुड़े अकाउंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अकाउंट की मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए उसका मकसद डिसाइड कर लें, यानी एक अकाउंट जो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए हो और एक आपके अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन के लिए हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह। आप अकाउंट पर्सनल और बिजनेस या अपनी किसी दूसरी जरूरत के हिसाब से भी अलग अलग कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अकाउंट खोलने से पहले उनका मकसद जरूर तय कर लें और उसके बाद ही फैसला लें। थी ना काम की जानकारी? आप ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीक्यू प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करें।